श्री नरेश जी अग्रवाल। धन्यवाद सर। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इन बिलों को पहले क्यों नहीं लाया गया। इसके पहले IIIT आप लाई थी, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया, आज आर्किटेक्ट वाला आया। ये तो देश की तरक्की के लिए बिल है, और अगर इसको बिल के न लाने से वहाँ के छात्रों को इतने साल तक डिग्री नहीं मिली, अगर इस बिल के न लाने से उसका ग्रेडेशन ऊंचा नहीं हुआ था, तो उसका पनिशमेंट फिर आपने किसको दिया? आखिर वो भी तो पनिश होने चाहिए जिन्होंने छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने अपग्रेड नहीं होने दिया, उनको सुविधाएं नहीं मिलने दी, और तीन तीन चार चार साल से छात्र वेट कर रहे हैं कि हमको डिग्री मिल जाए। तो छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले जो लोग भी हों माननीय मंत्री जी, उनके ऊपर जरूर एक्शन लीजिए। और एक्शन आप क्या लेंगे अगर आप बता देंगे तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपको पॉपुलरिटी मिलेगी, लोगों का वाकई में हित होगा। ये ठीक है कि ये तीनों को आप अपग्रेड करें, हमारे देश में और भी आर्किटेक्ट के इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन अभी हमारी वर्ल्ड वाइड स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ताजमहल जब बना होगा तब आर्किटेक्ट नहीं थे, तब उनको डिग्री नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कौन सन में 1600 में ताजमहल बनाया, आज भी है। तमाम हमारे देश के किले बने हुए हैं, क्या वो आर्किटेक्ट के द्वारा बने हुए हैं? क्या उन्हें डिग्री मिली थी? हम लोग विदेश में जाते हैं तो आर्किटेक्ट इतना डेवलप कर गया, अमेरिका को छोड़ दिए, डेवलपिंग कंट्री सिंगापुर हांगकांग वगैरह आप चले जाइए, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है हिंदुस्तान में तो लगता कि वो है ही नहीं। अब तो हिंदुस्तान में अच्छी डिजाइनिंग के लिए हम बाहर के आर्किटेक्ट ला रहे हैं। आखिर क्या कारण? मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में इतनी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी, इतने कॉलेज होने के बाद भी, आज विश्व स्तर के किसी कॉलेज में हमारा नाम नहीं। हम विश्व स्तर में कहीं हमारा नाम नहीं, हमारी रिकॉग्निशन नहीं, बहुत जगह तो भाई डिग्रियों को नहीं मान्यता। तो आखिर हम अगर इनको अपग्रेड करें, उस स्तर पे अपने खड़ा करें। अभी भाई ठाकुर जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी बनाने के 18 स्मार्ट सिटी, अब उसका आर्किटेक्ट कौन होगा ये भी तय हो जाए। आर्किटेक्ट आप देखिए, जब अच्छा आर्किटेक्ट लाना पड़ेगा तो आप जापान से लाएंगे या आप अमेरिका लंदन कहीं से आर्किटेक्ट लाएंगे, हिंदुस्तान का कोई आर्किटेक्ट नहीं मिलेगा। जबकि आज जब लैंड कम हो रही है तब आर्किटेक्ट की ज्यादा जरूरत है कि कम जमीन में कम जगह में अच्छी चीज कैसे बने। तो मैं चाहूंगा खाली आप इसको अपग्रेड करके डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, इससे इसका मतलब नहीं कि ये एकदम अपने आप में बहुत फाइन हो गया। खाली दर्जा या डिग्री देने से कोई नहीं हो सकता जब तक वहां योग्यता नहीं डिग्री। मैंने ओरली भी कई बार आपसे कहा था डीम यूनिवर्सिटी पे हो सकता किसी मंत्री ने कुछ गलतियां की हो, लेकिन मतलब नहीं उसकी सजा हरदम के लिए हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रोक लगाई, क्यों नहीं? आज ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारें सिर्फ न्यायालय के आदेश पर चल रही, अपना ज्यूरिडिक्शन क्यों नहीं ले रही? एक प्रथा ऐसी हो गई है कि न्यायालय जो आदेश दे दे उसका हम पालन करेंगे, लेकिन हम अपने विवेक से निर्णय नहीं लेंगे। आज प्राइवेट कॉलेज जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन के एरिया में इतना डेवलप किया, उनको आप तमाम यूनिवर्सिटी से अफिलेट कर देती, हर यूनिवर्सिटी के अपने गाइडलाइन अलग हैं, उन गाइडलाइन के तहत उनको कितना हैरेस किया जाता है। वही जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है तो कम से कम उनको उन यूनिवर्सिटी के उन क्राइटेरिया से छुटकारा मिल जाता है जो एक उन्होंने मकड़ जाल फैला रखा है। अगर हमारे वेस्टर्न यूपी में कोई कॉलेज खोलेगा तो उसे मेरठ यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, कहीं आगरा यूनिवर्सिटी से लेना पड़े, कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी है नहीं, तो उनके सामने मजबूरी है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से उनको रिकॉग्निशन लेनी। और वो यूनिवर्सिटी के मकड़ जाल में कितना करप्शन है, कितना बुरी स्थिति है आज एजुकेशन की। मैं चाहूँगा स्मृत जी कहीं ना कहीं आप इसको बाहर निकालिए, ये मत कहिएगा पैसा नहीं है, ये नहीं है। इतना बड़ा बजट, इतना पैसा हमारे पास, और उसके बाद भी कहें पैसा नहीं। आज एक और नई चीज शुरू हो गई, तमाम पत्रिकाएं साहब, इंडिया टुडे, आउटलुक, बिजनेस स्टैंडर्ड, हम जब जाते हैं प्लेन में तो साहब इसमें तमाम कॉलेज का वो ग्रेडेशन करने लगे,
कि नॉर्थ इंडिया में कौन नंबर एक, देश में कौन नंबर एक, विदेश में कौन नंबर एक, नॉर्थ ईस्ट में कौन नंबर एक, क्या इसमें जी ये ग्रेडेशन करने में कोई क्राइटेरिया है? जितना जो एडवर्टीजमेंट दे दे, जितना जो उसको फायदा पहुंचा दे, उस कॉलेज का ग्रेडेशन उतना ऊंचा हो जाता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा फ्रॉड छात्रों के साथ छल है कि जिसने अपने को ग्रेडेशन में ऊंचा कर लिया इन मैगजीन में, वो स्कूल में बच्चे ज्यादा जाने लगेंगे। ये कौन सी बात हो गई इस देश में? अब तो ऐसा हो रहा है कि मीडिया, जुडिशरी, यही मिलके सारी सरकारें चलाने लगी, हम सब एक निर्बल हो गए, असहाय की स्थिति में खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा कि जैसे हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। और मैं तो प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी को इसी मारे मजबूत किया गया, जनता को इसी मारे सर्वोच्च कहा गया है कि डेमोक्रेसी जनता से जिंदा रहती, डेमोक्रेसी कभी और डेमोक्रेसी के तंत्र से, ये ठीक है कि प्रजातंत्र के चार स्तंभ होते हैं, लेकिन स्तंभ सबसे मजबूत अगर है तो सदन है, सरकार है। अगर सरकार और सदन अपने को कमजोर समझने लगेगी तो बहुत अच्छा है। मेरा तो आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है, क्योंकि कोई बड़ा भारी विषय नहीं है, अब हम आपको अलग बता दें। जी धन्यवाद, हम दोनों बहुत पुराने साथी हैं। दो मिनट माइनस में चले गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, बिल ला रहे हैं, हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं, इस मारे समर्थन कर रहे हैं कि देश के हित में है, छात्रों के हित में है। हम भी चाहते हैं हमारे देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े, अच्छे छात्रों, पिछली बार भी हमने कहा था कि विदेशों का पलायन छात्रों का जरूर रोक दीजिएगा और आरक्षण की श्रेणी मत खत्म कर दीजिएगा, ऐसा ना हो अपग्रेडेशन के नाम पर आरक्षण को समाप्त किया जाए। ये दोनों को देखते हुए जो मैंने और बातें कही है, इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए यदि आप कुछ जवाब देने की कृपा करेंगे तो मैं अनुग्रहित हूँ, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो मील का पत्थर जरूर साबित होगा। बस इतने अनुग्रहितो अस्मि, आपके भाषण के लिए धन्यवाद।